स्वागत है आपका इस प्लेलिस्ट में हम चैप्टर नंबर एट के सारे कॉन्सेप्ट और टॉपिक्स को कंप्लीट डिटेल में स्टडी करेंगे एनसीईआरटी टी क्वेश्चन के लिए अलग प्ले लिस्ट है एक्टिविटीज की एक्सप्लेनेशन और सैंपल पेपर्स के लिए भी अलग प्ले लिस्ट है तो पिछली वीडियो में हमने जहां तक कवर कर लिया था अब उसके आगे कॉन्टिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इंफॉर्मेशन कैन बी time फ्रॉम of एन ऑब्जेक्ट इन मोशन देखो क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि अगर आपको किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है तो उस ग्राफ में से आप कौन कौन सी इंफॉर्मेशन डिराइव कर सकते हो चलो आंसर पे आते हैं सबसे पहले तो नेचर ऑफ मोशन ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम इंटरवल्स अगर हमें किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीक टाइम ग्राफ दे रखा है ना तो हम ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में बता सकते हैं कि वो किस तरह से मूव कर रहा है नेचर ऑफ मोशन का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है या उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है एक्सलरेशन के अंदर है अगर एक्सलरेशन में है तो एक्सलरेशन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन है या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन है और अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है मतलब रिकागेशन में है तो रिकागेशन किस तरह का है यूनिफॉर्म रिकागेशन है या नॉन यूनिफॉर्म रिकागेशन है इन सारी चीजों के बारे में बता सकते हैं ये सारी चीजें आती है नेचर ऑफ मोशन के अंदर तो अगर आपको स्पीक टाइम ग्राफ दे रखा है ना किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का तो उसे देख के पहले तो हम मोशन के नेचर के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं अलग अलग टाइम इंटरवल्स पे मतलब कितने टाइम से लेकर कितने टाइम तक वो यूनिफॉर्म मोशन में था फिर कितने टाइम से लेकर कितने टाइम तक वो एक्सलोरेशन में था तो इस तरह से अलग अलग टाइम इंटरवल्स के अंदर किस तरह का उसका मोशन है उसे डिस्क्राइब किया जा सकता है सेकंड पॉइंट है स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम देखो स्पीड टाइम ग्राफ अगर आपको गिवन है ना तो किसी भी टाइम पर ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड पर मूव कर रहा है वो आसानी से ऑब्जर्व करके बता सकते हैं अब थर्ड और फोर्थ पॉइंट ये सुपर इंपॉर्टेंट है थर्ड पॉइंट है एक्सलरेशन अगर आपको किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है स्पीक टाइम ग्राफ में से एक्सलरेशन निकाला जा सकता है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं कि आपको स्पीक टाइम ग्राफ दे रखा होगा और हमने एक्सलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी होगी स्पीक टाइम ग्राफ में से द स्लोप ऑफ स्पीक टाइम ग्राफ गिव्स एक्सलरेशन अगर आपने स्पीक टाइम ग्राफ में से एक्सलरेशन निकाल लें तो आप स्पीड टाइम ग्राफ के ना स्लोप निकाल लो जो स्लोप की वैल्यू होगी वो हमें एक्सलरेशन देगी अभी आगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर हम देखेंगे कि स्पीड टाइम ग्राफ में से कैसे आप एक्सप्लोरेशन निकाल सकते हो और फोर्थ ये भी सुपर इंपॉर्टेंट है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड स्पीड टाइम ग्राफ में से हम पता लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड स्पीड टाइम ग्राफ बोलो या स्पीड टाइम कर्व बोलो अगर आप उसके नीचे का एरिया निकाल लेते हो ना तो जो उसकी वैल्यू है वो ही टोटल डिस्टेंस क्रेवल्ड के मैग्नीट्यूड के इक्वल होती है मतलब अगर आपको स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है ना तो स्पीड टाइम ग्राफ में से एक्सलरेशन भी निकाला जा सकता है और टोटल डिस्टेंस क्रेवल्ड ये भी कैलकुलेट किया जा सकता है और इन दोनों केसेस के ऊपर न्यूमेरिकल्स बनते हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा होगा तो हमें एक्सलरेशन निकालने के लिए पूछा गया होगा या फिर पूछा गया होगा कि ऑब्जेक्ट ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है तो स्पीक टाइम ग्राफ में से ये फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन हम डिराइव कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कैलकुलेट एक्सलरेशन फ्रॉम द फॉलोइंग स्पीक टाइम ग्राफ देखो मैं क्वेश्चन के अंदर ना एक स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है और हमने इसमें से एक्सलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है अगर आपको स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा हो ना तो उसमें से एक्सलरेशन कैलकुलेट किया जा सकता है और यही हमारा अगला क्वेश्चन है हमें ग्राफ दे रखा है और एक्सलरेशन हमने फाइंड करना है चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं देखो पहली बात तो आपको यह पता होनी चाहिए द स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स एक्सलरेशन द स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स एक्सलरेशन देखो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ को अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप निकालो ना तो उससे स्पीड पता चलती है अगर स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप निकालो तो उससे एक्सलरेशन पता चलता है और एक्सलरेशन टाइम ग्राफ भी होता है अगर आप एक्सलरेशन टाइम ग्राफ की स्लोप निकाल लो तो उससे जर्क के बारे में पता चलता है जर्क का मतलब होता है रैपिड एक्सलरेशन या वेरी रैपिड रिटागेशन एकदम से जब झटका लगता है ना या एक्सीडेंट होता है दो चीजें आपस में क्लाइट करती हैं, तो उनके स्पीड में सडन चेंज आता है उसे जर्क कहते हैं दोबारा से डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अगर आप स्लोप निकालोगे तो आपको स्पीड पता चल जाएगी स्पीड टाइम ग्राफ के अगर आप स्लोप निकालोगे तो आपको एक्सलरेशन पता चल जाएगा और एक्सलरेशन टाइम ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालोगे तो उससे आपको जर्क पता चल जाएगा अब यहां पे हमें स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है ना तो अगर हम स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप कैलकुलेट करें तो उससे हमें एक्सलरेशन की वैल्यू पता चल जाएगी देखो एक्सलरेशन का फॉर्मूला होता था v माइनस यू अपॉन टी मतलब चेंज इन विलोसिटी अपॉन टाइम विलोसिटी बोलो या स्पीड बोलो इस सिचुएशन में एक ही बात है तो एक्सलरेशन को लिख सकते हैं चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम वो वाला टाइम जिस टाइम के अंदर चेंज आया है और जब आपने स्पीड टाइम ग्राफ में से निकालना हो ना तो विलोसिटीज को वी और यू से रिप्रेजेंट करने के बजाय मतलब स्पीड्स को वी और यू से रिप्रेजेंट करने के बजाय एस वन और एस टू से रिप्रेजेंट कर देंगे पहले जो पहले जिस स्पीड पर ऑब्जेक्ट मूव कर रहे है, उससे एस वन बोल देंगे थोड़े टाइम के बाद जिस स्पीड पर मूव कर रहा है उसे एस टू बोल देंगे और स्पीड को एस वन से एस टू होने में जितना टाइम लगा है उस टाइम को की बोलेंगे टाइम भी ग्राफ में से जब निकालना होता है ना तो टाइम की जगह पर आप ये लिखोगे की टू माइनस की वन ये इस तरीके से हम स्लोप निकाल रहे हैं चलो ग्राफ पे आते हैं देखो ग्राफ के ऊपर ना आपने दो पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लेना है इस वाले पॉइंट को हमने पॉइंट ए का नाम दे दिया और दूसरे पॉइंट को बी बोल दिया इस लाइन के ऊपर आप कोई भी दो पॉइंट्स ले सकते हो आप पॉइंट ए को यहां पर भी ले सकते थे पॉइंट ए को थोड़ा सा आगे यहां पर भी ले सकते थे जहां पे आप चाहो पॉइंट ए और पॉइंट बी को आप ले सकते हो आपने ग्राफ के ऊपर दो पॉइंट्स सेलेक्ट कर लेने हैं अब क्योंकि यहां से ओरिजिन से चलना स्टार्ट करें तो पहले पॉइंट ए आता है ना और आगे जाने के बाद में पॉइंट बी आता है क्योंकि पहले पॉइंट ए आ रहा था तो पॉइंट ए के लिए जो टाइम की वैल्यू है टाइम देखने के लिए नीचे आना है पॉइंट ए के लिए जो टाइम की वैल्यू है उसे बोलेंगे टी वन पॉइंट बी बाद में आता है तो पॉइंट बी के लिए ये जो टाइम की वैल्यू है ना इसे बोलेंगे टी टू ऑरिजिन से अगर हम चलना स्टार्ट करें तो पहले पॉइंट ये आता है ना बाद में पॉइंट बी आता है तो पॉइंट ए के लिए जो स्पीड की वैल्यू होगी स्पीड के लिए इधर इधर देखना है लेफ्ट में पॉइंट ए पे जो स्पीड की वैल्यू होगी उसे बोलेंगे एस वन और ये पॉइंट बी बाद में आया था तो पॉइंट बी के लिए जो स्पीड की वैल्यू होगी ये वाली वैल्यू इसे बोलेंगे एस टू क्लियर हुआ स्पीड अगर आपने देखनी है तो आपको लेफ्ट में देखना पड़ेगा टाइम अगर आपने नोट करना है तो टाइम के लिए आपको नीचे आना पड़ेगा पॉइंट ए और बी से और पॉइंट ए और पॉइंट बी आप इस लाइन के ऊपर जहां चाहो वहां ले सकते हो चलो आते हैं एस टू की वैल्यू पुट करते हैं ये पॉइंट बी से इधर लेफ्ट में जाएंगे यहाँ पे फोर्टी है ना तो एस टू की जगह पे फोर्टी पुट किया पॉइंट ए से लेफ्ट में जाते हैं यहाँ पे ट्वेंटी है तो एस वन की जगह पे ट्वेंटी पुट किया ये टी वन और T2 टू ये पॉइंट ए से नीचे आओगे ये टी वन की वैल्यू है पॉइंट बी से नीचे आओगे तो ये की है इनकी पुट कर दिए में से ट्वेंटी को सब ट्रैक करेंगे फाइव आ जाता है तो इसका मतलब एक्सलरेशन की वैल्यू है फाइव आगे यूनिट जरूर लगाना है ये यूनिट ना लिखा तो हाफ नंबर कट जाएगा और एक्सलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क् रेस टू बार माइनस टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सलरेशन का यूनिट आपको याद होना चाहिए तो इस तरह से स्पीड टाइम ग्राफ में से आप एक्सलरेशन निकाल सकते हो इस फॉर्मूले को यूज करके स्लोप निकालने का मतलब यही होता है चेंज इन वाई बाइएक्स अपॉन चेंज इन एक्स एक्सएक्सेस इस क्वेश्चन का एक बी पार्ट भी है देखो फर्स्ट पार्ट में हमें ये वाला ग्राफ दे रखा था अब बी पार्ट के लिए हमें दूसरा ग्राफ दे रखा है हमें स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है और इसमें से हमने एक्सलरेशन फाइंड करना है तो देखो आप एक्सलरेशन निकालने के लिए ग्राफ में से एक्सलरेशन निकालने के लिए ये वाला फार्मूला यूज करोगे एक्सलरेशन होता है चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम टेकन न्यूमरेटर में आता है चेंज इन स्पीड और चेंज इन स्पीड ऐसे निकालते हैं फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड शुरुआत में ऑब्जेक्ट जिस स्पीड पर मूव कर रहा होगा ना उसे बोलेंगे इनिशियल स्पीड उसे एस वन से रिप्रेजेंट करते हैं बाद में फाइनली ऑब्जेक्ट जिस स्पीड पर मूव कर रहा होता है उसे बोलते हैं फाइनल स्पीड और उसे एस टू से रिप्रेजेंट करते हैं तो फाइनल स्पीड में से इनिशियल स्पीड को अगर माइनस करेंगे तो ऐसा करने से चेंज इन स्पीड आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आता है टाइम कितने टाइम के अंदर वो चेंज आया है तो देखो इस ग्राफ के ऊपर ना आपने कहीं पे भी दो पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लेना है पॉइंट ए को आप यहां पर भी ले सकते थे पॉइंट ए को आप यहां पर भी ले सकते थे पॉइंट बी को भी आप थोड़ा सा आगे या यहां पे जहां पे आप चाहो वहां पे ले सकते हो जान के ऐसी जगह पे आपने पॉइंट ए बी को लेना है जहां से वैल्यूज ना आसानी से पता चल जाए जैसे पॉइंट ए पे ये थर्टी आसानी से पता चल जाएगा अगर पॉइंट ए यहां पे होता तो पॉइंट ए से फोर्टी आसानी से पता चल जाता ऐसे बीच में लेके खुद अपना काम ही डिफिकल्ट करने की जरूरत नहीं है अब देखो ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है ना स्टार्ट होकर जब आगे की तरफ जाए तो पहले पॉइंट ए आता है और बाद में पॉइंट बी आता है क्योंकि पहले पॉइंट ए आता है तो पॉइंट ए के टाइम को T1 से रिप्रेजेंट करेंगे और पॉइंट ए की स्पीड को एस वन से रिप्रेजेंट करेंगे ये जो पॉइंट है यहां से चलना स्टार्ट करें तो बाद में आता है तो रिप्रेजेंट करेंगे, करेंगे। क्लियर हुआ चलो पुट करते हैं एस टू की वैल्यू यहां से पॉइंट बी से स्पीड देखनी है ना तो इस तरफ जाना पड़ेगा पॉइंट बी से लेफ्ट में जाए कैन लिखा हुआ ना एस so, टू की वैल्यू टेन है माइनस का माइनस पॉइंट ए के लिए स्पीड ये रही थर्टी तो एस वन की जगह पे थर्टी पुट किया टाइम की वैल्यूज देखने के लिए नीचे आना पड़ेगा पॉइंट बी के लिए टाइम है ये वाला एट सेकेंड्स और पॉइंट ए के लिए टाइम है ये वाला फोर तो एट और फोर वैल्यू पुट करी टेन माइनस थर्टी ये सिंप्लीफाई करके सब क्रैड करके माइनस ट्वेंटी आता है एट माइनस फोर वो प्लस फोर होता है डिवाइड करके माइनस फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है एक्सलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो एक्सलरेशन की वैल्यू माइनस फाइव आ रही है नेगेटिव एक्सलरेशन इज कॉल्ड रिकार्डेशन देखो स्पीड डिक्रीज हो रही थी ना तभी यहां पे रिकार्डेशन आया है एक्सलरेशन की वैल्यू माइनस के अंदर आई है पहले स्पीड इंक्रीज हो रही थी ग्राफ देखो ऐसे यहां से ना ऊपर की तरफ जा रहा था तो स्पीड इंक्रीज हो रही थी ए की वैल्यू अगर फाइव है तो इसका मतलब है कि हर एक सेकेंड में स्पीड फाइव से इंक्रीज हो जाएगी और अगर एक की वैल्यू माइनस फाइव है तो इसका मतलब है कि हर वन सेकेंड के अंदर स्पीड फाइव से डिक्रीज हो जाएगी क्लियर तो इस क्वेश्चन से अब आपको ना ये क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर स्पीड टाइम ग्राफ आपके पास आ जाए तो उसमें से आपने एक्सलरेशन कैसे फाइंड करना है ये वाला फॉर्मुला यूज करना है कोई भी दो पॉइंट सिलेक्ट करने हैं उनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट करनी है थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है एक्सलरेशन की वैल्यू आ जाएगी और ध्यान रखना एक्सलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है और एक्सलरेशन की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है अब पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी वो किस तरह का ग्राफ है उस पर डिपेंड करेगा ग्राफ अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक्सलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और अगर ऐसा ग्राफ है ना ग्राफ अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो एक्सलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आएगी की वैल्यू नेगेटिव आए तो घबराने की जरूरत नहीं है आती है ए की वैल्यू नेगेटिव माइनस साइन का मतलब है कि स्पीड डिक्रीज हो रही है ये रिकार्डेशन का केस है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रॉम द गिवन स्पीक टाइम ग्राफ कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट फोर सेकेंड्स देखो ये हमें क्वेश्चन के अंदर ना एक स्पीक टाइम ग्राफ दे रखा है ये अभी दिखाता हूं आपको और हमने इस ग्राफ में से ना कैलकुलेट करना है कि फर्स्ट फोर सेकेंड्स के अंदर टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया गया है टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है या टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया गया है फर्स्ट फोर सेकेंड्स में उसके बाद सेकेंड और थर्ड पार्ट भी है पर पहले एक बार फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद फिर सेकेंड और थर्ड पार्ट भी आएंगे तो क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको ये हमें क्वेश्चन के अंदर एक स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है और हमने फर्स्ट फोर सेकेंड्स के अंदर यहां तक फर्स्ट फोर सेकेंड्स में फर्स्ट फोर सेकेंड्स में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है वो फाइंड करना है देखो स्पीड टाइम ग्राफ में से जब भी आपने डिस्टेंस निकालना होगा ना तो ये जो ग्राफ होता है ना ये वाली जो कर्व होती है उसके नीचे वाला एरिया निकालना पड़ेगा आपको जैसे हमने फर्स्ट फोर सेकंड्स में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है वो अगर फाइंड करना है तो फोर सेकंड्स के बाद ऑब्जेक्ट है यहाँ पे पॉइंट ए पे तो पॉइंट ए से लेकर पहले वाला पोर्शन ये वाली जो लाइन है इस लाइन के नीचे वाला एरिया फाइंड करना पड़ेगा मतलब ये वाला ट्राइंगल का एरिया अगर हम निकाल लें तो जो इस ट्रैंगल के एरिया की वैल्यू है ना एक्जैक्टली exactly उतना ही डिस्टेंस कवर किया है इस ऑब्जेक्ट ने इस मूविंग ऑब्जेक्ट ने तो आंसर में सबसे पहले तो आप ऐसे लिखोगे द एरिया ऑफ ट्रैंगल ओ ए बी ये इस पॉइंट को पॉइंट ओ बोल रहे हैं ओ ए बी ये ट्रैंगल बन जाता है ना द एरिया ऑफ ट्रैंगल ओ ए बी विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट फोर सेकेंड्स जो इस ट्रैंगल का एरिया होने वाला है ना वो ही फर्स्ट फोर सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है उसकी वैल्यू होगा देखो सेकेंड पार्ट में पूछा हुआ है बिटवीन फोर टू टेन सेकेंड्स मतलब फोर सेकेंड से लेकर टेन सेकेंड्स तक के बीच में तो फोर से टेन सेकेंड्स तक के बीच का अगर आपने डिस्टेंस फाइंड करना है तो ये जो रेक्टेंगल नहीं बन रहा इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा अगर हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल दें तो जो उस एरिया की वैल्यू होगी एग्जैक्टली exactly उतना ही डिस्टेंस कवर हुआ है फोर से लेकर टेन सेकेंड्स तक के बीच में तो स्पीक टाइम ग्राफ में से जब भी आपने डिस्टेंस फाइंड करना हो तो मतलब आपको एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा चलो पहले फर्स्ट पार्ट का पूरा सॉल्यूशन करते हैं आंसर में फर्स्ट लाइन तो आप ये लिखोगे द एरिया ऑफ ट्रैंगल ओए बी विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट फोर सेकेंड इस ट्राइंगल का अगर हम एरिया निकाल लें तो जो ट्राइंगल के एरिया की वैल्यू आई है एग्जैक्टली exactly उतना ही डिस्टेंस कवर हुआ है फर्स्ट में, में अगले स्केप में फिर आप मैथमेटिकली लिखोगे पहले तो स्टेटमेंट में लिखा ना तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आई होप आपको याद होगा ट्रेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आगे आते हैं हाफ का हाफ ही रहने देते हैं ये बेस और हाइट की वैल्यूज ये ग्राफ में से देखकर पुट करनी पड़ेगी देखो क्रेंगल का बेस ये है ओ से लेकर बी तक इस पॉइंट पे फोर लिखा हुआ है ना इसका मतलब ओ से बी तक, ये वाली लेंथ, फोर के हाइट पे हाइट का मतलब है ये वाली लेंथ बी से लेकर ए तक की लेंथ ये वाली लेंथ चाहिए हमें ना तो पॉइंट ए से अगर आप लेफ्ट में जाओ तो यहां पे थर्टी लिखा हुआ है ना इसका मतलब ओस लेकर यहां तक ये वाली जो लेंथ है वो थर्टी यूनिट्स के इक्वल है क्लियर हुआ पॉइंट ए से अगर आप लेफ्ट में जाओगे तो यहां पे थर्टी लिखा हुआ है ना इसका मतलब यहां से ओरिजिन से यहां तक की जो लेंथ है वो थर्टी यूनिट्स के इक्वल है अगर ये वाली लेंथ थर्टी है तो ये वाली लेंथ भी थर्टी होगी बाईस सिमेट्री तो हाइट की जगह पे थर्टी पुट करेंगे अब ये टू और फोर ये दोनों आपस में डिवाइड होंगे तो टू रह जाएगा क्योंकि फोर से टू डिवाइड होगा तो यहाँ पे टू बचेगा ना टू मल्टीप्लाइबर थर्टीज टू सिक्स की तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ है फर्स्ट फोर सेकेंड्स में सिक्सटी मीटर्स का ये हमारे क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर है हमने ट्रैंगल का एरिया निकाल लिया ट्रैंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बेस की और हाइट की रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट करनी है बेस ये वाली लेंथ है यहां पे पॉइंट बी पे फोर लिखा हुआ है ना इसका मतलब ओरिजिन से लेकर यहां तक ये वाली लेंथ फोर यूनिट्स के इक्वल है और इस पॉइंट पे थर्टी लिखा हुआ है ना इसका मतलब ये पॉइंट लेकर यहां तक की लेंथ है अगर ये इतना पार्ट थर्टी है तो ये ए बी की लेंथ भी थर्टी होगी बाई मीटरी जितनी ए बी की लेंथ है उतनी ही डी सी की लेंथ होने वाली है खैर वो तो अभी जरूरत नहीं है पर क्लियर हुआ आपको हाइट कैसे पता चली इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं सिक्सटी मीटर आता है ये हमारे क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर है क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं बिटवीन फोर टू टेन सेकंड्स मतलब फोर सेकंड्स से लेकर टेन सेकेंड्स तक के बीच का जो टाइम है ना बिटवीन फोर टू टेन सेकेंड्स फोर से लेकर टेन सेकेंड्स तक के बीच का जो टाइम है उस टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है वो निकालना है देखो फोर सेकेंड्स के बाद ऑब्जेक्ट था यहाँ पे पॉइंट ए पे और टेन सेकेंड्स के बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पे था पॉइंट डी पे तो ए से लेकर डी तक की जो लाइन है ये वाली जो ग्राफ है ये वाली जो कर्व है इसे लाइन बोलो ग्राफ बोलो या कर्व बोलो एक ही बात है है ये स्ट्रेट लाइन पर फिर भी बोलते इसे कर्व है कोई भी ग्राफ होता है ना जैसा मर्जी हो उसे कर्व बोला जाता है तो इस लाइन के नीचे वाला एरिया निकालना है इस लाइन के जो नीचे वाला एरिया है देखो ये वाला पोर्शन निकालना पड़ेगा ये रेक्टेंगल की शेप के अंदर है तो सेकेंड पार्ट में हमने डिस्टेंस निकालना है स्पीड टाइम ग्राफ में से तो एरिया निकालना पड़ेगा और वो एरिया रेक्टेंगल की शेप में है तो सेकंड पार्ट में पहले स्टेटमेंट आप ऐसे लिखोगे द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी ये देखो फिगर के अंदर ए बी सी डी वाला जो रेक्टेंगल बन रहा है ना इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है द एरिया ऑफ रेक्टैंगल ए बी सी विल गिव द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन फोर टू टेन सेकेंड्स अगर हम इस क्रैंगल का एरिया निकाल लें तो उससे हमें पता चल जाएगा कि फोर से लेकर टेन सेकेंड्स तक के बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया गया था अब डिस्केंस पहले तो स्टेटमेंट में लिखा अब आगे अपने फॉर्म में रेक्टेंगल के, के, के एरिया का फॉर्मूला होता है चलो इसकी ना लेंथ निकालते हैं पहले तो ये निकालते हैं कि वाला डिस्टेंस कितना है यहां पे लिखा हुआ टेन इसका मतलब ओरिजिन से यहां से लेकर यहां तक ये पूरा टेन है लेकिन हमें पूरा थोड़ी चाहिए हमें तो सिर्फ बी से लेकर सी तक चाहिए तो इस ओ से लेकर सी तक के डिस्टेंस में से ये ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस ये माइनस कर देते हैं तो बी से सी तक का डिस्टेंस आ जाएगा क्लियर तो टेन में से ये वाला फोर माइनस कर देते हैं क्योंकि ओ से लेकर बी तक ये फोर यूनिट्स है ना यहां पे टेन लिखा हुआ था ना इसका मतलब ओ से लेकर पूरा यहां तक ये वाली जो लेंथ है वो टेन है हमें पूरी लेंथ थोड़ी चाहिए हमें तो सिर्फ बी से लेकर सी तक की लेंथ चाहिए तो ये शुरुआत वाले फोर यूनिट्स को माइनस करना पड़ेगा तो टेन में से ये वाला फोर माइनस कर देंगे सिक्स आता है तो लेंथ की जगह पे ना अगले स्टेप में सिक्स पुट करेंगे और ब्रेथ में ये वाली लेंथ पुट करनी है डी से लेकर सी तक की लेंथ ये डी की लेंथ ए बी की लेंथ के इक्वल है और ए बी की लेंथ ये थर्टी यूनिट्स के इक्वल है अभी इस पार्ट में भी किया था ना एच की जगह पे थर्टी पुट किया था यहां पर भी वही आने वाला है तो ये बी की जगह पे थर्टी पुट करेंगे अगले स्टेप में तो ये लेंथ और ब्रेथ की रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट करी सिक्स को थर्टी से मल्टीप्लाई करो वन एटी में कराता है ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर है थर्ड पार्ट में पूछ रहे थे टोटल डिस्टेंस क्रेवल्ड इन टेन सेकेंड्स तो फर्स्ट फोर में इतना हुआ था अगले सिक्स के अंदर इतना हुआ था दोनों को ऐड कर देते हैं सिक्स के प्लस वन एटी तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल का जाएगा टेन सेकेंड्स का थर्ड पार्ट काफी आसान था बस आपने इन दोनों फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट को ऐड ही करना है थर्ड पार्ट आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको ना पता होना चाहिए कि, कि क्रिपीजियम दिखने में कैसा होता है और क्रिपीजियम का एरिया कैसे निकाला जाता है देखो ये एक फोर साइड फिगर है ना ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर इसके चार साइड्स हैं उसमें से ये वाली दो साइड्स पैरल हैं और बाकी की जो दो साइड्स हैं वो नॉन पैरल हैं कोई भी ऐसी फिगर होती है ना जिसमें फोर साइड्स होती हैं और जिसमें से दो साइड्स आपस में पैरल पैरल होती है और, और बाकी की दो साइड्स नॉन पैरल होती है उस फिगर को बोलते हैं क्रपीजियम ये भी क्रेपीजियम है ये भी क्रैपीजियम है देखो इसमें ये वाली जो वर्टिकल साइड्स है ना ये दोनों साइड्स आपस में पैरल हैं और ये वाली साइड और ये वाली साइड नॉन पैरल हैं पैरल साइड्स वो होती हैं जिनको जितना मर्जी एक्सटेंड कर लो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे जैसे ये लाइन सीधा ऊपर जा रही है ये लाइन भी सीधा ऊपर जा रही है जितना मर्जी एक्सटेंड कर लो दे विल नेवर इंटरसेक्ट तो ये दोनों साइड्स पैरल हैं ये बाकी की जो दो साइड्स हैं वो नॉन पैरल हैं देखो इसे एक्सटेंड करेंगे इसे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ कहीं पे इंटरसेक्ट कर जाएंगे ना तो ये नॉन पैरल साइड्स हैं क्रिपिजम के फोर साइड्स होती हैं जिसमें से दो पैरल होते हैं बाकी के दो नॉन पैरल होती हैं के एरिया का फॉर्मुला ये होता है ये आपको याद होना चाहिए हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच हाफ इंटू समय बाय डिस्टेंस बिटवीन साइड्स ए और बी ना पैरल साइड्स की लेंथ होती है जैसे अगर फिगर ऐसी है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो लेंथ होगी वो ए होगा इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक की जो लेंथ होगी वो बी होगा और ये पैरल साइड्स कि बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे एच है बोलते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई एच पे ए और बी पैरल साइड्स की लेंथ को रिप्रेजेंट करता है और एच उन पैरल साइड्स के बीच में कितना डिस्टेंस है उसे रिप्रेजेंट करता है क्लियर याद हो गया फॉर्मूला आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग स्पीक टाइम ग्राफ कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन टू सेकेंड्स टू सिक्स सेकेंड्स देखो ये हमें क्वेश्चन के अंदर ना एक स्पीक टाइम ग्राफ दे रखा है और टू सेकेंड से लेकर सिक्स सेकेंड्स तक के बीच में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है वो हमने फाइंड करना है अब देखो जब भी आपने स्पीक टाइम ग्राफ में से डिस्टेंस निकालना हो ना तो ये जो ग्राफ बना होता है आपने उसके नीचे का एरिया ही फाइंड करना होता है अगर आप ग्राफ के नीचे वाला ये एरिया निकाल लो तो जो एरिया की वैल्यू होती है वो ही डिस्टेंस के इक्वल होता है स्पीड टाइम ग्राफ में से जब भी आपने डिस्टेंस निकालना होगा तो आपको एरिया फाइंड करना पड़ेगा और स्पीड टाइम ग्राफ में से जब आपने डिस्टेंस नहीं एक्सलरेशन निकालना होगा तब आपको वो करना होता है एस टू माइनस एस वन अपॉन की टू माइनस की वन मतलब स्लोप निकालनी पड़ती है चलो खैर इस क्वेश्चन में तो डिस्टेंस निकालना है तो देखो टू सेकेंड से लेकर सिक्स सेकेंड्स तक के बीच का डिस्टेंस निकालना था अब ये देख रहे हो ये वाली जो फिगर है ट्रेपीजियम की शेप में है ये वाली साइड और ये वाली साइड ये आपस में पैरल है और ये वाली साइड और नीचे वाली साइड ये दोनों नॉन पैरल है जो भी फोर साइडेड फिगर होती है ना जिसकी दो साइड्स पैरल लो और बाकी के दो साइड्स नॉन पैरल लो उसे ट्रेपीजियम बोलते हैं ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लें तो हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा तो आंसर में पहले स्टेटमेंट तो आप ऐसे लिखोगे द डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन टू सेकेंड्स Settings, ये नाम हमने खुद लिखा तो है तो वो ही डिस्टेंस होगा अब क्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला आपको याद हो गया है हाफ इंटू ए प्लस भी इंटू एच इंटू का मतलब मल्टीप्लाई होता है डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है तो डिस्टेंस क्रिपीजियम के एरिया का इक्वल था और ट्रिपीजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला ये होता है हाफ ए प्लस बी इंटू एच अब इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं देखो हाफ की जगह पे तो हाफ ही रहेगा ए और बी वो ये पैदल साइड्स की ना लेंथ है पहले इसकी लेंथ निकालते हैं देखो पॉइंट ए से लेफ्ट में जाओ तो टेन लिखा हुआ है ना इसका मतलब ये वाली जो लेंथ है वो टेन है और अगर ये वाली लेंथ टेन है तो ये ए से लेकर तक ये लेंथ भी टेन होगी

इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो यहां पे सिक्स लिखा हुआ है ना ये ओ से लेकर सी तक ये पूरा सिक्स है उसमें से ये स्टार्टिंग वाला टू माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हमें पूरी लेंथ थोड़ी चाहिए हमें तो बी से लेकर सी तक की लेंथ चाहिए तो सिक्स में से ये वाला टू माइनस कर देते हैं फोर आएगा फिर बी से लेकर सी तक की जो लेंथ है वो फोर यूनिट्स है आगे सिंप्लीफाई करते हैं टेन प्लस थर्टी इज इक्वल टू फोर्टी फोर्टी को फोर से मल्टीप्लाई करोगे वन हंड्रेड आएगा उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 80 रह जाएगा तो डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू 80 मीटर तो अब आपको ये याद होना चाहिए कि कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना जिसमें आपको स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा हो और आपको डिस्टेंस निकालने के लिए बोला जाए तो स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे वाला एरिया आपने कैलकुलेट करना है ऐसे ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मुला लगा के जो आप एरिया निकालोगे ना जो एरिया की वैल्यू आएगी वो ही डिस्टेंस के इक्वल होता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इज द फॉलोइंग स्पीड टाइम ग्राफ पॉसिबल देखो मैं क्वेश्चन में ना ए बी और सी तीन अलग, अलग अलग ग्राफ दे रखे हैं और हमने बताना है क्या इस तरह के स्पीड टाइम ग्राफ्स पॉसिबल हैं तो एक एक करके चेक करते हैं देखो ए पार्ट में जो ग्राफ दे रखा है ना वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है गलत है ग्राफ कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट होगा ना उसका स्पीड टाइम ग्राफ कभी भी इस तरह का बन ही नहीं सकता यहाँ पे ये भी इतना जो पोर्शन है वो तो ठीक है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन देख ग्राफ वापस मुड़ गया है देखो यहां से टाइम स्टार्ट होता है जैसे जीरो सेकेंड फिर वन टू थ्री फोर तो ग्राफ को आगे ही जाना है ये तो टाइम में पीछे चला गया कोई टाइम में थोड़ी पीछे जा सकता होता है और वैसे भी अगर ऐसे यहां से देखा जाए तो जब टाइम की वैल्यू टू है यहां से ऊपर जाए तो टू पर स्पीड टेन भी है और स्पीड थर्टी भी है अब एक ऑब्जेक्ट की एक ही टाइम पर दो अलग अलग स्पीड्स थोड़ी हो सकती है सपोज आप कार चला रहे हो और मैं आपसे पूछता हूं कि कार कितनी स्पीड पर चल रही है आप अगर ये बोलो कार टेन की स्पीड पर भी चल रही है और कार थर्टी की स्पीड पर भी चल रही है आपकी कार एक ही टाइम पे या तो टेन की स्पीड पर चलेगी या थर्टी की स्पीड पर चलेगी आप एक ही टाइम पे अपनी कार को दो अलग अलग स्पीड्स पर थोड़ी चला सकते हो देखो ऐसी साइंस अभी डेवलप नहीं हुई है कि आगे वाला कायर किसी और स्पीड पर चलेगा और पीछे वाला कायर किसी और स्पीड पर चलेगा तो एक टाइम पर किसी ऑब्जेक्ट की मल्टीपल स्पीड्स नहीं हो सकती है एक तो यह गलती है इसके अंदर और दूसरी बात ग्राफ ऐसे टाइम में पीछे नहीं जा सकता है क्लियर हुआ तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है नॉट पॉसिबल है ये सेकेंड पार्ट पे आते हैं ये वाला ग्राफ भी गलत है क्योंकि जो स्पीड है ना स्पीड कैन नेवर भी नेगेटिव स्पीड जीरो तो हो सकती है यहां तक ठीक है यहां तक ठीक है ये जो ग्राफ टाइम वाली लाइन को कट करके नीचे आ गया ना यहां पे प्रॉब्लम है अगर यहां पे वेलोसिटी लिखा होता ना तो ये वाला ग्राफ ठीक था क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होती है ना स्पीड टाइम ग्राफ कभी भी टाइम एक्सिस के नीचे नहीं बन सकता तो ये वाला पार्ट रॉन्ग है अगर आपको बोला जाए कि अब आप इस ग्राफ को ठीक करो तो ये वाला पोर्शन भी ना आप ऐसे ऊपर बना दो तो फिर ये स्पीड टाइम ग्राफ ठीक हो जाएगा अगर आपको बोला जाए कि इस वाले ग्राफ को ठीक करो तो ये लाइन जो इस तरफ जा रही है ना उसे भी आप ऐसे सीधा ही बना दो तो ये वाला ग्राफ भी ठीक हो जाएगा ये वाला ग्राफ में नीचे वाली लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी ग्राफ ये जो वापस इधर मुड़ गया था ना इसमें प्रॉब्लम थी एक तो एक टाइम पर ऑब्जेक्ट की मल्टीपल स्पीड्स नहीं हो सकती दूसरा टाइम के अंदर वी कैन नॉट गो बैक तो ये प्रॉब्लम थी ठीक करने के लिए इस लाइन को आपको इधर मोड़ना पड़ेगा तो इसकी एरर इसमें से रिमूव हो जाएगा और इस ग्राफ में से भी एरर रिमूव करने के लिए ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसे आपको ऊपर बनाना पड़ेगा तो इसमें से भी एरर रिमूव हो जाएगा स्पीड टाइम ग्राफ कभी भी टाइम वाली लाइन के नीचे नहीं जा सकता बिकॉज स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव तो ये भी नॉट पॉसिबल है सी पार्ट पे आते हैं इसके अंदर वही प्रॉब्लम है जो इसके अंदर है ये वापस कैसे मुड़ गया और एक ही टाइम पे स्पीड फाइव भी है और स्पीड फोर्टी भी है तो एक ही टाइम पर एक ऑब्जेक्ट की मल्टीपल स्पीक्स नहीं हो सकती है क्लियर तो इस तरह का ग्राफ भी नॉट पॉसिबल है अगर इस ग्राफ को आपने ठीक करना हो तो यहां से ना कट करना पड़ेगा और यहां से भी कट करना पड़ेगा यहां से और यहां से कट करने के बाद या तो आप ऊपर वाला हाफ पार्टी रेस कर दो या फिर आप नीचे वाला हाफ पार्टी रेस कर दो अगर ऊपर वाला हाफ पार्टी रेस कर दें या नीचे वाला हाफ पार्टी रेस कर दें तो पॉसिबल है ग्राफ क्योंकि पहले स्पीड इंक्रीज हो रही है फिर स्पीड डिक्रीज हो रही है अगर नीचे वाला रखना है तो पहले स्पीड डिक्रीज हो रही है फिर स्पीड इंक्रीज हो रही है वो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा होगा पूरा सर्कल अगर बना दिया तो गलत है आधा सर्कल अगर बनाया ना तो ठीक है या तो ऊपर वाला आधा बनाओ या फिर नीचे वाला आधा बनाओ ऐसे हाफ सर्कल बनाओगे तो पॉसिबल है फुल सर्कल अगर बना दोगे तो नॉट पॉसिबल है तो अब आपको क्लियर हो गया कि इन ग्राफ्स में क्या क्या प्रॉब्लम है और अगर आपने इनके एरर्स को रिमूव करना है तो फिर आप एरर्स को कैसे रिमूव करोगे तो आंसर के अंदर आप ऐसे लिखोगे ए पार्ट के लिए पहले तो आप लिखोगे नॉट पॉसिबल और रीजन ये दोगे ऑब्जेक्ट कैन नॉट हैव मल्टीपल स्पीड्स एक ही टाइम पे ऑब्जेक्टिव स्पीड टेन भी हो थर्टी भी हो ऐसे नहीं हो सकता ऑब्जेक्टिव मल्टीपल स्पीड्स नहीं हो सकती है सेकेंड वाला ग्राफ भी नॉट पॉसिबल है और रीजन आप ये दोगे स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव ये शॉर्ट फॉर्म में नेगेटिव ऐसे लिखते हैं स्पीड में कभी नेगेटिव नहीं हो सकती अगर यहाँ पे लिखा होता तो ठीक था क्योंकि नेगेटिव हो सकती है सी वाला पार्ट भी गलत है आप लिखोगे नॉट पॉसिबल और रीजन दोगे ऑब्जेक्ट कैन नॉट हैव मल्टीपल स्पीड एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम किसी भी एक टाइम पर ऑब्जेक्ट की मल्टीपल स्पीड नहीं हो सकती है इसमें और इसमें सेम प्रॉब्लम है जैसे ये भी मुड़ गया वापस ये भी तरह के वापस मुड़ गया ग्राफ ना देखो फोर सेकेंड्स पे स्पीक फाइव भी है और फोर्टी भी है तो एक ही टाइम पे ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऑब्जेक्ट फाइव की स्पीक पर भी मूव कर रहा हो और फोर्टी की स्पीक पर भी मूव कर रहा हो तो मल्टीपल स्पीड्स आर नॉट पॉसिबल दिस इज द आंसर शेर की तरह पूरी ताकत से तैयारी करनी है एग्जाम की सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑल द बेस्ट